है, पेड़ पे चढ़कर बच्चे को नहीं बचाया जा सकता। ये सब संवेदनहीनता है। अब राजनीति जिसको करनी है वो करते रहेंगे, लेकिन कुल मिला के बात यह है कि यदि वहां संवेदनशील लोग रहे होते तो पेड़ पर चढ़ते समय या जैसे ही उसने ये काम किया उसे तुरंत बचाया जा सकता, वो आज हमारे बीच में होता, लेकिन अब नहीं है। बस हमें पहले उसको चेतावनी देनी है, ये हमारा मकसद। देर रात गजेंद्र सिंह का शव राजस्थान के दौसा स्थित उनके गांव नांगल झामरवाड़ा पहुंच गया। हालांकि दिल्ली से उनके गांव के लिए रवाना हुई एम्बुलेंस देर तक गांव के बाहर ही रुकी थी। लोगों को उनकी दो भतीजी की शादी के बाद विदाई का इंतजार था। गजेंद्र का शव पहुंचते ही गांव में मातम पसर गया। इस घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर कहा, गजेंद्र की मौत से पूरा देश सदमे में है। मोदी ने भरोसा दिया कि किसान ये ना समझे कि वो अकेले हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने भी पूरी घटना पर शोक जताते हुए इसे बेहद दुखद बताया। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार किसानों की भलाई के लिए प्रतिबद्ध है। कल गजेंद्र की खुदकुशी के वक्त केजरीवाल मंच पर ही मौजूद थे। चाहे वो अधिकारी हूँ चाहे रैली को आयोजक हूँ, इंक्वायरी का आदेश हो चुके हैं। अगर कोई अधिकारी इसमें लापरवाही है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, अगर आयोजकों की लापरवाही है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। खुद एक किसान हूँ, मैं इस दर्द को अच्छी तरह जानता हूँ। उत्तर प्रदेश में करीब जो आत्महत्याएं हुई हैं, मैं लगातार सबके घर गया हूँ, मैं अच्छी तरह इस बात को समझता हूँ। जो उसने कहा बहुत दुखद है, यही कह सकता हूँ। गजेंद्र की मौत पर दुख जताते हुए राहुल गांधी ने कहा कि राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष सचिन पायलट गजेंद्र की अंत्येष्टि में शामिल होंगे। राजस्थान कांग्रेस ने गजेंद्र के परिवार वालों को मदद के लिए शुरुआत में 2 लाख का चेक देने का फैसला किया है। कल कांग्रेस ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी ही किसान की मौत का जिम्मेदार है। मैं बहुत दुखी हूं, व्यथित हूं इस विषय पे। मैं सर, लेकिन एक व्यक्ति की मौत हो जाती है, भाषण चलता रहता है, मैं, ये मैं, आपको दुखी मैं, करता मैं, है? मैं बहुत दुखी हूं, मैं इस विषय पे कुछ नहीं, सभा चलती रहती है, मैं इस विषय पे कुछ नहीं बोलूंगा। मैं बहुत दुखी हूं, प्लीज। कल जंतर मंतर पर गजेंद्र सिंह ने आम आदमी पार्टी की रैली के दौरान सुसाइड किया। उनकी मौत से करीब 72 मिनट बाद तक रैली चलती रही, भाषण होते रहे और नेता अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते रहे। आशुतोष ने हैरानी भरा बयान दिया, ये अरविंद जी की गलती है कि अरविंद जी फौरन मंच से नहीं उतरे, ये अरविंद जी की गलती है फौरन वो पेड़ पे नहीं चढ़े, ये अरविंद जी की गलती है कि वो शाखाओं पे नहीं गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री को ये काम करना चाहिए था। मैं उम्मीद अगली बार अगर ऐसा होगा तो मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री जी से कहूँगा कि वो पेड़ पे खुद चढ़े, खुद पे उस पे जाके शाखाओं पे जाएं, उस आदमी को आत्महत्या करने। विवाद बढ़ने के बाद आशुतोष ने तुरंत सफाई दी, अपने बयान के लिए माफी मांगी, लेकिन आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने गजेंद्र की मौत के लिए दिल्ली पुलिस को जिम्मेदार ठहराया है। तुरंत कुमार विश्वास ने खड़े होकर कहा कि पुलिस वाले जो व्यक्ति पेड़ पे चढ़ाया उसको उतारने के लिए शीघ्र वहां पहुंचे। बार बार ये कहते रहे, फिर मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा कि ये पुलिस की असंवेदनशीलता है, एक व्यक्ति पेड़ पे चढ़ाया उसको बचाइए, पहुंच के बचाइए, बार बार कहते रहे। और आपके कैमरे मौजूद थे, आप दिखा सकते हैं कि एक भी पुलिस वाला वहां नहीं पहुंचा। सियासी हमलों के बीच गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली पुलिस के मुखिया बीएस बस्सी से बात की। उन्होंने तुरंत मामले की जांच करने को कहा। दिल्ली पुलिस ने जॉइंट कमिश्नर स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं। जांच चल रही है, उसके बारे में कमेंट कर सकता हूं जो दिल्ली पुलिस कर रही है। दिल्ली पुलिस इसकी इंक्वायरी कर रही है, दिल्ली पुलिस ने इसकी इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग्स की है, दिल्ली पुलिस उसकी जब पूरी इंक्वायरी दिल्ली पुलिस की हो जाएगी उसके बारे में। जंतर मंतर पर घटना के कुछ ही घंटे बाद दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पोस्टर लगे। आम आदमी सेना नाम के संगठन से जुड़ी महिला कार्यकर्ताओं ने अरविंद केजरीवाल पर संगीन आरोप लगाते हुए ये पोस्टर लगाए हैं। बीजेपी और कांग्रेस ने मुख्यमंत्री केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अध्यक्ष सतीश उपाध्याय की अगुवाई में बीजेपी नेता और कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। वहीं यूथ कांग्रेस भी केजरीवाल सरकार के खिलाफ उनके घर के बाहर प्रदर्शन करेगी। किसान गजेंद्र के सुसाइड का मामला आज संसद के दोनों सदनों में घूम सकता है। कांग्रेस और बीजेपी इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को घेरने की तैयारी में है। राज्यसभा की कार्यवाही के पहले दिन आज किसान सुसाइड, भूमि अधिग्रहण बिल और किसानों के मुद्दे को लेकर हंगामे के आसार हैं। विपक्ष ने भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर मोदी सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। आंकड़ों के हिसाब से सत्ता पक्ष राज्यसभा में बैकफुट पर है। किसानों के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मंत्रियों के कोर ग्रुप के साथ बैठक करेंगे। कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों के भूमि राहुल गांधी मुख्यमंत्री हरीश रावत के साथ गौरीकुंड के लिए रवाना होंगे। गौरीकुंड से वो पैदल लिंचोली तक जाएंगे, जहां रात्रि विश्राम के बाद 24 अप्रैल को केदारनाथ के लिए पैदल रवाना होंगे।
शुक्रवार को ही केदारनाथ के कपाट खुल रहे हैं। राज्य सरकार ने केदारनाथ में इस यात्रा को लेकर खास इंतजाम किए हैं। अब जघन्य अपराध करने वाले 16 साल के अपराधी पर भी आईपीसी की धाराओं में केस चलेगा। इस संबंध में केंद्रीय कैबिनेट ने कल जुविनाइल जस्टिस एक्ट को मंजूरी दे दी। पहले जघन्य अपराध करने पर 18 साल तक की उम्र के अपराधियों को जुविनाइल के तौर पर व्यवहार किया जाता था। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लगी। सुप्रीम कोर्ट ने 6 अप्रैल को केंद्र सरकार से कानून बदलने को कहा था। उसमें अगर चिल्ड्रन कोर्ट ये पाता है कि इनको एडल्ट के रूप में ही इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए पूरे अपराध की दशा को देखकर, तो ऐसे में उनको कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा जो 16 साल उससे नीचे के चाइल्ड को, जुवेनाइल को मिलेगा। बिहार में काल वैशाखी चक्रवाती तूफान से मरने वालों का आंकड़ा 40 के पार जा चुका है। मंगलवार को आए तूफान से 12 जिले प्रभावित हुए। सबसे ज्यादा असर पूर्णिया और कटिहार में हुआ है। पूर्णिया में सबसे अधिक मौत हुई है। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तूफान प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया, अधिकारियों के साथ बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार से इस मुद्दे पर बात की और केंद्र से हर संभव मदद का भरोसा दिया। अब गृह मंत्री राजनाथ सिंह तबाही का जायजा लेने प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। माननीय श्री राजनाथ सिंह से बातचीत की और अभी पूरा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद जो अद्यतन स्थिति है उसकी जानकारी लेकर फिर हम उनसे चर्चा करेंगे। उन्होंने भी कहा कि जहां पर भी संभव हो सहायता का आश्वासन दिया, उनसे भी पूरी चर्चा करेंगे। काफी दुखद है, हम लोग इस पर काफी चिंता हमारी सरकार कर रही है, भारत सरकार की तरफ से भी पूरी नजर रखी जा रही है और जो इस तरह से तूफान आया है उसकी भरपाई मुश्किल है। बहुत से लोगों की जान गई है, बिहार सरकार को तुरंत वहां राहत पहुंचाना चाहिए, ऐसी हमारी अपेक्षा है। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर बीती रात भीषण हादसा हुआ। एक एक्सीडेंट के बाद बचाव कार्य में जुटे पुलिस वालों और क्रेन के कर्मचारियों को तेज रफ्तार स्विफ्ट कार ने रौंद दिया। हादसे में 2 सिपाही समेत 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि डिप्टी एसपी समेत 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में से कई की हालत नाजुक बताई जा रही है। मुंबई के कुर्ला में हुए सड़क हादसे में एक ही परिवार के 2 लड़कों की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब दोनों लड़के अपने घर जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार इंडिका कार ने उनकी बाइक को सामने से टक्कर मार दी। दोनों की अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई। पुलिस ने इंडिका कार के आरोपी ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच के लिए सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। यूपी के हापुड़ में एक सड़क हादसे के बाद जमकर बवाल हुआ। लोगों का गुस्सा तब फूटा जब NH-24 पर बाइक से जा रहे एक छात्र को LPG गैस सिलेंडर से भरे ट्रक ने कुचल दिया। छात्र की मौके पर ही मौत हो गई। लोगों का आरोप था कि अस्पताल ने शव के पोस्टमार्टम से इनकार कर दिया। इसी से नाराज परिजनों ने जमकर हंगामा किया। पुलिस ने ग्रामीणों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। महिलाओं बच्चों पर भी लाठीचार्ज हुआ। इस भिड़ंत में कई लोग जख्मी हो गए। सलमान खान के आर्म्स एक्ट मामले में एक नया मोड़ आ गया है। उनके वकील ने कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र पेश कर 5 गवाहों के बयान फिर से कराने का आग्रह किया है। आज इस गुहार पर अदालत सुनवाई करेगी। आर्म्स एक्ट मामले में आज सलमान खान को जोधपुर की कोर्ट में पेश होना है। दूसरी ओर हिट एंड रन केस में भी आज मुंबई सेशन कोर्ट में बहस होगी। यौन शोषण के आरोप में फंसे आरके पचौरी को विदेश जाने की इजाजत मिलेगी या नहीं, इस पर दिल्ली हाई कोर्ट आज फैसला करेगा। बुधवार को सुनवाई करते हुए अदालत ने सरकार और पीड़ित को नोटिस जारी कर अपना जवाब दाखिल करने को कहा। पचौरी को 26 अप्रैल को पानी के संरक्षण पर वर्ल्ड समिट के सिलसिले में एथेंस जाना है। दिल्ली पुलिस और पीड़ित के वकील ने आरोप लगाया है कि वो जमानत की शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं। गुजरात के छोटा उदयपुर में राज्य सरकार के कृषि कार्यक्रम के दौरान किसानों ने जमकर हंगामा किया। किसानों की मांग थी कि खाद की कालाबाजारी रुके और उन्हें कपास की फसल की अच्छी कीमत मिले। छत्तीसगढ़ के बालोद में करंट वाले फेंसिंग तारों की चपेट में आने से 4 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। करंट वाली ये फेंसिंग इलाके के किसान ने जानवरों से फसलों की रक्षा के लिए अपने खेत में लगाई थी। घटना के बाद किसान ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। उस किसान पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है।
राजस्थान के धौलपुर में 5 बच्चों समेत 20 से ज्यादा लोग हाई टेंशन वायर की चपेट में आकर झुलस गए। सभी पीड़ित एक बारात में शामिल थे। बैंड पार्टी के साथ बाराती दुल्हन के घर जा रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। घायलों में से 4 की हालत गंभीर बनी हुई है। बेंगलोर के करीब मांड्या से कल अंधविश्वास की एक तस्वीर सामने आई। वहां एक साधु आग के शोलों पर दौड़ लगाता दिखा। 5 साल में एक बार होने वाली इस खास पूजा में साधु ने धधकते आग पर दौड़ना शुरू किया, तभी उसका पैर फिसल गया। वो आग से झुलसकर जख्मी हो गया। तुरंत लोगों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। हिसार प्रशासन ने जिले के 5 गांवों को खाली कराने के लिए नोटिस जारी किया है। 60 साल पहले सरकार ने जमीन आवंटन कर उन गांवों को बसाया था और सरकारी स्कूल, सड़क समेत तमाम बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई थी। अब सरकार का तर्क है कि वो 5 गांव अवैध हैं। वहीं ग्रामीण किसी भी सूरत में गांवों को खाली करने के लिए तैयार नहीं है। ग्रामीणों ने सामूहिक आत्महत्या की धमकी दी है। इस बार मॉनसून की बारिश भी सामान्य से नीचे रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने सीजन की पहली भविष्यवाणी जारी कर ऐसी आशंका जताई है। मौसम विभाग की माने तो मॉनसून की बारिश इस साल सामान्य की तुलना में 93% तक रहने की आशंका है। यह आंकड़ा 5% ऊपर नीचे भी हो सकता है। सामान्य रूप से मॉनसून के दौरान देश में औसतन 89 सेंटीमीटर की बारिश होती है। औरंगाबाद में आज नगरपालिका चुनाव के रिजल्ट आएंगे। उससे पहले बीती रात कांग्रेस उम्मीदवार के घर पर हमला हुआ। आरोप है कि यह हमला MIM उम्मीदवार और उनके कार्यकर्ताओं ने किया। हमले के बाद पूरे इलाके में तनाव बढ़ गया। सूचना मिलते ही पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया। देहरादून में एक फिल्म की शूटिंग के लिए पहुंची कुछ लड़कियों के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में लड़कियों के बयान पर केस दर्ज किया है। इस मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को हिरासत में लिया, हालांकि बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। उदयपुर पुलिस ने एक ऐसी शातिर लड़की को गिरफ्तार किया है जो अपनी खूबसूरती को हथियार बनाकर ठगी करती थी। पहले वो अपने जाल में धनी लोगों को फंसाती थी, फिर शराब और कोल्ड ड्रिंक्स में नशीला पदार्थ मिलाकर उसके साथ तस्वीरें खींच लेती थी और उन्हीं के जरिए ब्लैकमेल कर रुपए ऐंठती थी। एक ऐसे ही पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने उसे धर दबोचा। इस गुनाह में 2 और आरोपी भी शामिल हैं। कोर्ट ने कल आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उज्जैन में 3 बदमाशों ने पहले एक सब इंस्पेक्टर से उसकी सर्विस रिवॉल्वर छीनी, उसके बाद उस रिवॉल्वर से एक शख्स की हत्या की। तीसरी वारदात में बदमाशों ने एक युवक को चाकू मारकर बाइक लूट लिया और फरार हो गए। बदमाशों का अब तक सुराग नहीं मिला है। पुलिस ने उन पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। अंबाला में सरेआम गुंडागर्दी का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने 3 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए थे। उन सभी पर IPC की धारा 307 के तहत केस दर्ज किया गया है। 15 अप्रैल को हुई इस वारदात में एक आरोपी अभी भी फरार है। वहीं पीड़ित छात्र के पिता ने आरोप लगाया है कि सभी आरोपी ऐसा ही वीडियो बनाकर डराने, धमकाने और जबरन वसूली का काम करते थे। IPL में चेन्नई सुपर किंग्स का दम एक बार फिर दिखा। कल हुए मुकाबले में चेन्नई ने बेंगलोर को 27 रनों से हरा दिया। बेंगलोर के सामने चेन्नई ने 182 रनों का लक्ष्य रखा था। जवाब में बेंगलोर की टीम 8 विकेट खोकर 154 रन ही बना सकी। चेन्नई की ओर से सुरेश रैना ने आतिशी बल्लेबाजी करते हुए 32 गेंदों में 6 छक्के और 4 चौकों की मदद से 62 रन बनाए। वहीं आशीष नेहरा ने घातक गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट झटके और विरोधियों की कमर तोड़ दी। बेंगलोर की ओर से कप्तान विराट कोहली ने सबसे ज्यादा 51 रन बनाए। 3 वनडे मैच की सीरीज में बांग्लादेश ने पाकिस्तान का सूपड़ा साफ कर दिया है। बांग्लादेश ने यह सीरीज 3-0 से जीत ली। कल मीरपुर में हुए आखिरी वनडे में पाकिस्तान की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। 49 ओवर में पूरी टीम 250 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। जवाब में बांग्लादेश ने 2 विकेट खोकर 39 ओवर 3 गेंद में ही जीत के लक्ष्य को पूरा कर लिया। पाकिस्तान के जुनैद ने ही बांग्लादेश के 2 विकेट झटके। मैन ऑफ द मैच का खिताब बांग्लादेश के सौम्य सरकार को मिला, जबकि मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड तमीम इकबाल ने हासिल किया।